सो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं रेलअप यूट्यूब चैनल और मैं और साथी मेरे पार्टनर यश त्रिपाठी, आज हम दोनों बहुत दिन बाद एक साथ वीडियो करने आए हैं। तो सुबह के 5 बज रहे हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज लखीमपुर आनी है हरिद्वार से, और पहली बार लखीमपुर में ब्रॉडगेज की ट्रेन किसी दूसरे स्टेट से आज लखीमपुर आएगी, उसको कवर करने आज हम लोग आए हैं। और पूरी प्रिकॉशंस, पूरी सावधानी बरतेंगे, सैनिटाइज़र और मास्क लगा के और सारे प्रिकॉशंस लेके हम लोग आज यहाँ आए हैं। और दूरी रहकर ही हम लोग, जितनी दूरी हो सकेगी उतनी दूरी रहकर सतर्कता बरतते हुए एकदम ये वीडियो बनाएंगे, और अब तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँगे। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और ये लखीमपुर का बाहर का आउटर का एरिया सुबह 5 बजे के टाइम का। अभी तो मुझे तो देख के कुछ लग नहीं रहा कोई ट्रेन व्रेन आनी है, क्योंकि कुछ तैयारियां तो हमें लग नहीं रही। अब अंदर जाके देखते हैं क्या हाल है। सुबह सुबह का मामला है, आज मौसम भी काफ़ी ठंडा लग रहा है आज। देखिए, जब आप एंट्री करेंगे तो ये देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रखते हुए जो पट्टियाँ हैं वो देखिए बना दी गई हैं। और लखनऊ की तरफ से ट्रेन आएगी, और देखिए सैनिटाइज़र की भी व्यवस्था पूरी कर दी गई है। देखिए, सामने नगर पालिका की जो गाड़ी है वो आ गई, इसमें सैनिटाइज़र की किट है रखी, ये देखिए, जिससे सैनिटाइज किया जाएगा। नगर पालिका परिषद लखीमपुर की ये गाड़ी है। यहाँ पर टहल रहे हैं और बाहर चले जाएंगे, ध्यान दें, श्रमिक स्पेशल ट्रेन स्टेशन पर आ रही है, जो भी सज्जन प्लेटफॉर्म पर टहल रहे हैं और बाहर चले जाएं। तो दोस्तों, जो इंतज़ार है वो ख़त्म हुआ अब, और काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आएगी। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे नहीं आएगी, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे ये गाड़ी आएगी। और लखीमपुर रेलवे स्टेशन पे पहली बार कोई यात्री गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आती नज़र आएगी। और जितना भी सफाई कर्मी और नगर पालिका परिषद का जितना भी स्टाफ है वो सारा देखे, और पुलिस कर्मी जितने हैं आरपीएफ के जवान वो सब देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ चले गए हैं, और वहीं से उनको एक एक करके श्रमिकों को निकाला जाएगा। लगभग जो सूत्रों के हवालों से मुझे पता चला है कि लगभग इनकी संख्या एवरेज मान के चलें 140 से 150 के आसपास श्रमिक हैं जो इसमें आ रहे हैं, जिसमें नेपाल के भी हैं। और एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ अभी, इसके पूरी पक्की खबर नहीं है, लेकिन एवरेज जो श्रमिकों की संख्या है वो 140 से 150 अब मान के चलिए इसमें श्रमिक आ रहे हैं। और अभी ट्रेन बस कुछ ही देर में पता चला है कि हर गाँव के आगे गाड़ी पहुँच गई है, आती होगी। और जो एवरेज श्रमिकों की संख्या है वो 140 से 150 है, इतने मज़दूर इसमें होंगे, इतने श्रमिक। और अधिक जानकारी की हमारे साथ बने रहे इस वीडियो में, और इस वीडियो को पूरा देखें, ये कवरेज पूरी हम आपको दिखा रहे हैं अपने रेलअप यूट्यूब चैनल पर, तो हमारे साथ कृपया बने रहें। सहारा तो सब तैयारियां जो हैं वो देखिए पूरी कर ली गई है। सैनिटाइज़र जो मशीन है वो उसको भी स्टार्ट कर लिया गया है, और आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। जो लोग टेस्टिंग करेंगे, मीडिया वालों को वहाँ जाने के लिए मना कर दिया गया है, तो उसके लिए मैं बेहद माफ़ी चाहता हूँ। वहाँ पे देखिए टेस्टिंग होगी, एक एक श्रमिक की उतार के उसका टेम्परेचर चेक किया जाएगा। और आपको दिखाऊँ साइड से, देखिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन सीतापुर की दिशा से देखिए आती हुई,
WDP 4D लोकोमोटिव लगा हुआ है। आपको यात्री दिखना शुरू दोस्तों आप लोग देखिए सभी श्रमिकों को बाहर अब निकाला जा रहा है और जो सफ़ेद पट्टियां बनाई गई है वहां पे इस तरीके की जैसा आपको मैं दिखा रहा हूं उन पे एक एक श्रमिक को खड़ा किया जाएगा, फिर उनके बाद उसकी टेस्टिंग होगी, उसके बाद ही उनको जो है एक एक करके बसों में बिठा कर जहाँ उनको जाना है वहाँ भेजा जाएगा, क्योंकि कुछ नेपाल के भी हैं, खास लखीमपुर के तो कोई भी नहीं है। हर एक श्रमिक का देखिए आप लोग हाथ जो है वो सैनिटाइज कराया जा रहा है। ग्लव्स पहन के जाओ फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, इसको शेयर कर दिएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा, आपको पता चले कि श्रमिक स्पेशल आज आई है लखीमपुर में, और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, 5000 हैप्पी सब्सक्राइबर पूरे कर दें।